बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बनाने लगे हैं मीठी सेवइयां। इस तरह के हमने बारीक सेवइयां के दो पैकेट लिए हैं और हाथ से हम इसे बारीक बारीक पैकेट के अंदर ही कर लेंगे। सेवइयां हमने बारीक कर ली हैं। अब हम लेंगे देसी घी, 5 से 6 चम्मच हमने देसी घी लिया है। आप ऑयल भी ले सकते हैं, अगर आप घर में दूसरा घी इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। हल्की आंच पे हमने इसे भूनना है। 5 से 6 इलायची के हम डाल देते हैं। ये हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालते हैं हम सेवइयां। बिस्मिल्लाह आधा कप लिए हमने चीनी पीसी हुई, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही हम मिक्स कर देंगे। सेवइयों को हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, सेवइयां हमारी भून चुकी हैं। नाजरीन एक बात का ख्याल रखना है कि इसे मुसलसल हिलाते रहना है, अगर हमने चमचा रोका तो सेवइयां जल भी सकती हैं। अब हम इसे उतारने लगे हैं। नाजरीन अब हमने लिया है दूध, 3 किलो दूध लिया है, और जब दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें हम बाद में डालेंगे चीनी और कस्टर्ड। दूध हमने 45 मिनट पकाया है, आप अपने हिसाब से पका सकते हैं। इसमें डालते हैं 1 कप चीनी का। और 2 मिनट तक इसे पकाते हैं। हम हमारी हल हो चुकी है, हमने 1 कप लिया है दूध का और इसमें 5 चम्मच डाले हैं कस्टर्ड के, और हम इसमें ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसे हिला लेते हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा डालना है, साथ साथ हिलाते जाना है। थोड़ी थोड़ी मकदार में डालना है। अब हम कस्टर्ड को अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसी तरह हिलाते रहना, इसे चमचा बंद नहीं करना, रोकना नहीं है साथ। सबसे पहले हम जो सेवइयां भुनी हुई थी इसे इसकी एक लेयर डालते हैं बाउल में। अब हमें इसे इस लेयर को इस तरह जमा देते हैं। लेयर हमारी बन चुकी है, अब इसमें कस्टर्ड डालते हैं। एक लेयर हम इसे इसमें कस्टर्ड की डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ,
ओह माय गॉड, नाजरीन हमने कस्टर्ड ज़्यादा बनाया था, आप कम भी बना सकते हैं। हम एक लेयर और इसमें डालते हैं सोया की। अब हम इसके ऊपर डालते हैं ड्राई फ्रूट, ये हमने काजू लिए हैं वो डाल देते हैं ऊपर। और हम इसके ऊपर डालते हैं पिस्ता। और हम डालते हैं इसके ऊपर बादाम। नाज़रीन सेवइयां हमारी तैयार हैं, इसे ठंडा करके हम इंजॉय करेंगे। अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।